हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। थ्रू दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द चैप्टर ऑफ आवर रीडर बुक, चैप्टर नंबर 4, द स्टोन। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस चैप्टर इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, सो दिस इज़ अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। चैप्टर 4, द स्टोन। In this chapter, we are going to know what is guilt, how does a guilty person behave, how can one get rid of it. Now, let's read the story about a grandfather's confession. His grandfather looked hard at him. I will tell you something, maybe you are not worth telling nothing to, but I am telling you this anyway. इस चैप्टर में ये एक कन्फेशन है ग्रैंडफादर का, जो अपने ग्रैंडसन के आगे कन्फेस कर रहे हैं अपनी किसी मिस्टेक को जो उन्होंने अपनी लाइफ में बचपन के टाइम पर की है, जिस मिस्टेक के लिए वो गिल्टी फील कर रहे हैं। तो आज वो अपने ग्रैंडसन, जिसका नाम है सैमी, उसके आगे उसे कन्फेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि तुम्हें ये बात लगे कि इसमें कोई अलग बात नहीं है या इसके कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। यू डोंट हैव टू टेल मी एनीथिंग, सैमी सेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हेन आई वाज अबाउट योर साइज, आई वाज गुड एट वन थिंग एंड दैट वाज स्टोन थ्रोइंग। इट वाज द ओनली टैलेंट आई एवर हैड, आई कुड थ्रो अ स्टोन। जो ग्रैंडफादर हैं सैमी के, वो कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे साइज का था, इट मीन्स कि वो जब सैमी की एज के थे उस टाइम की बात वो बता रहे हैं, कि मैं एक चीज़ में अच्छा था और वो है स्टोन थ्रोइंग। सिर्फ मेरे अंदर उस वक्त एक टैलेंट था कि मैं पत्थर फेंक सकता था। इस बात को सुनने के बाद सैमी और दादाजी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सैमी ने बोला, एनीबडी कैन डू दैट, दैट्स नथिंग। देन ग्रैंडफादर ने कहा, इट वॉज समथिंग द वे आई डन इट, हिज ग्रैंडफादर सेड, आई कुड थ्रो एंड आई कुड हिट एनीथिंग आई कुड सी। मैं जिस भी चीज़ को देखता था उसको मैं हिट कर सकता था, उससे मैं निशाना लगा सकता था। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि एक टैलेंट है। एंग्रीली ही वाइप द एंड ऑफ हिज मॉस्ट्यूज। और उन्होंने क्रेन की तरफ देखा और अपनी आवाज़ को धीमा किया। उन्होंने बताया कि वेल, ये उस समय उस साल की बात है जब एक रेड बर्ड मेरे जो रूफ होती है, छत होती है, उसके नीचे के जो कॉर्नर्स हैं हमारे घर के, वहाँ पर वो रेस्ट करती थी। एक मतलब वहाँ पर उसने अपना नेस्ट बना रखा था, घोंसला बना रखा था। एंड एवरी डे आई वुड वॉच हर टू गेट टू हर नेस्ट। दिस बर्ड, ये बर्ड क्या करती थी, अपने नेस्ट पर आती थी। तब अपने नेस्ट पर वो पहले दो तीन सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए उसके ऊपर होवर, मतलब उसके अराउंड मूव करती थी। वेल वन डे आई गॉट अ स्टोन एंड मुझे नहीं पता उस दिन क्या चीज़ ऐसी थी जिससे मैंने ये किया। एंड मैंने एक पत्थर लिया एंड आई वेटेड बाय द कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड व्हेन द बर्ड केम टू हर नेस्ट, जब वो बर्ड अपने नेस्ट की तरफ आई, मैंने उसकी तरफ एम किया, उसको निशाना बनाया और उस पर पत्थर फेंक दिया। ही लुक्ड एट सैमी। अब उन्होंने इतनी बात बताने के बाद वो सैमी की तरफ देख रहे थे और उन्होंने बताया, एंड द बर्ड फेल डाउन टू द ग्राउंड, और वो बर्ड जो है वो ग्राउंड की तरफ गिर गई। अब इस बात को जान करके, जब अभी तक जो भी दादाजी ने बताया, सैमी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट थिंग्स, बट वेन ही सेड दैट ही हिट द बर्ड इन ओनली वन स्टोन, तब जो सैमी था उसको इस बात में इंटरेस्ट आने लगा और उसने कहा, यू गॉट इट विद जस्ट वन स्टोन। सैमी ने कहा, हमने इतने पत्थर, हजारों और सौ के करीब पत्थर बर्ड्स को मारे हैं, बट नेवर हिट वन, एंड यू गॉट इट विद जस्ट वन स्टोन। देन ग्रैंडफादर ने बोला, या आई हिट ऑल राइट बट हिट एंड किल्ड। ग्रैंडफादर जब ये बात बोल रहे थे तो उनको बहुत सैडनेस हुई और उन्होंने अपनी पलकों को झुका लिया। उन्होंने बताया कि एक पत्थर मतलब मैंने मारा और वो मर गई। इस बात को सुनकर सैमी वॉज शॉक्ड एंड उसने कहा, एक पत्थर में और वो मर गई। तो दादाजी ने बोला, वेल जब मैंने उसको पत्थर मारा और वो नीचे गिरी तो वो अपने विंग्स को फ्लटर कर रही थी, एज आई रेन ओवर, बट बाय द टाइम बहुत लेट हो चुका था और मैं जब तक उस तक पहुंचा वो डेड।
मर चुकी थी। वो इस बात को बता रहे हैं और उनके अंदर इतना गिल्ट है कि वो बार बार अपनी नज़रें झुका लेते हैं, आवाज़ धीमी कर लेते हैं, अपना सैडली सर झुका रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं फटाफट वहाँ गया और मैं जो भी उसके लिए कर सकता था मैंने उसके लिए करने की कोशिश की। जब व्हेन आई पिक्ड इट अप आई नेवर फेल्ट एनी हैवियर वेट देन दैट डेड बर्ड। उस बर्ड के जो वो मरी हुई पक्षी थी उसके वजन से ज़्यादा आज तक मुझे नहीं लगता मैंने कोई हैवी वज़न उठाया होगा। वो इतना हैवी मुझे फील हो रहा था और मुझे आज भी समझ नहीं आता कि वो क्या था मेरे अंदर या क्या मेरे को वो गिल्ट थी, क्यों मैंने उसको किया। बट अब मैं अभी भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि उससे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब मेरे हाथ में वो डेड पक्षी थी। तो ये बात को सुनते हुए जो सैमी है ही सेड ओह ऐसा कुछ नहीं है। तब दादाजी ने बोला कि एक बर्ड जिसको तुम एक मिनट पहले हवा में देख रहे हो एंड अगले ही पल होल्ड इट लाइफलेस इन योर हैंड द नेक्स्ट, और अगले ही पल तुम्हारे वो हाथों में हो जिसमें जान ना हो, तब यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तब तुम जानोगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंड आई लर्न डबली हार्ड बिकॉज देन टू मेकअप फॉर व्हाट आई हैड डन, जो भी मैंने किया उसके लिए मेकअप करना मतलब उस चीज़ को सेटल करना। और मैंने देखा कि अभी उस पक्षी के 3 बेबी बर्ड्स भी थे, छोटे बर्ड्स। मैंने कोशिश की कि मैं इनको बड़ा करके देखता हूँ। दोज बर्ड्स वर नो मोर देन 3 or 4 डेज ओल्ड। ऑल दे कुड डू वॉज स्क्वर्म एंड यॉर्न। वो सिर्फ क्या कर सकते थे, बहुत छोटे बर्ड जो या 3 या 4 दिन के ही थे शायद, उनकी बॉडी भी अभी पिंकिश थी। वो अभी बैठ भी नहीं पाते थे, दे कुडेंट इवन सिट। सैमी सेड डिड दे लाइव, क्या वो जिंदा थे। देन उसके ग्रैंडफादर ने बताया कि मैंने पहले सोचा था कि हाँ ये जिंदा रह पाएंगे। मैं उसके नेस्ट को लेकर के अपने घर गया और वहाँ पर हमने उन्हें ग्रास हॉपर खिलाना शुरू किया। ऑल डे लॉन्ग मी एंड माई ब्रदर कॉम द फील्ड फॉर ग्रास हॉपर। मैं और मेरा ब्रदर पूरा दिन ग्रास हॉपर्स ढूंढने के लिए फील्ड में घूमते रहे। देन वन डे वन ऑफ द बर्ड्स वुडंट ओपन इट्स आईज एंड इट स्टॉप बेगिंग फॉर फूड एंड दैट आफ्टरनून इट डाइड, और वो मर गया। सैमी आस्क्ड व्हाट अबाउट अदर्स, सैमी ने पूछा कि बाकियों को क्या हुआ। वेल वन ऑफ देम डाइड टू, हिज ग्रैंडफादर सेज कि एक और जो था वो मर गया। कैसे मरा, आई केम इन वन मॉर्निंग एंड द नेक्स्ट टू वॉज क्रॉलिंग विद माइट्स। मैं अगली सुबह जब मैं आया, एक मैंने देखा कि नेस्ट के आसपास माइट्स मतलब छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो लग गए हैं और उस नेस्ट को खा रहे हैं, और वो जो दोनों बर्ड्स हैं वो भी लुक्ड सिक, बीमार दिख रहे हैं। आई बर्न द नेस्ट एंड सेट द बर्ड्स इन अ बेरी बॉक्स, बट वन ऑफ देम, उसमें से एक क्या था, दोनों बीमार दिख रहे थे, एक धीरे धीरे वीकर होता चला गया और वो मर गया। सिर्फ उन 3 में से एक लास्ट बचा। बट आई टेल यू वन थिंग, आई नेवर थ्रू अ रॉक अगेन। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी ऐसा निशाना नहीं लगाया। सो ये थी हमारी स्टोरी जो हम अपनी ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यू कैन गो एंड विजिट टू अवर स्कूल वेबसाइट एंड चेक द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, बी सेफ, थैंक यू।